pulled away in the air. And a brilliant catch. So Ryan Harris. टीम इंडिया की हार पर हुआ सनसनीखेज खुलासा। पूर्व मेंटल कंडीशनिंग कोच अपटन बोले, दरार की वजह से मिल रही है धोनी ब्रिगेड को हार। टीम इंडिया को विदेशी सरजमी पर मिल रही एक के बाद एक शर्मनाक शिकस्त ने जहां भारतीय क्रिकेट में हाहाकार मचा दिया है, वहीं टीम इंडिया के पूर्व मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी कप्टन के सनसनीखेज खुलासे ने हार की गम को और हवा दे दी है। पैडी कप्टन ने खुलासा किया है कि टीम इंडिया में फूट तो वर्ल्ड कप के 9 महीने पहले ही पड़ चुकी थी। कप्टन के अनुसार पूर्व कोच गैरी कस्टन को पहले ही पता था कि वर्ल्ड कप के बाद धोनी ब्रिगेड की हालत बद से बदतर होने वाली है, लेकिन गैरी ने अपने कार्यकाल के दौरान टीम के मतभेद को कभी भी खुलकर सामने नहीं आने दिया। गैरी कस्टन के कार्यकाल में भी टीम बिखरने की कगार पर थी। कस्टन ने अपना अनुबंध इसलिए आगे न बढ़ाने का फैसला लिया। वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कस्टन ने अपनी काबिलियत से टीम को एकजुट रखा ताकि खिताब पर कब्जा किया जा सके। कस्टन को बखूबी पता था कि उनके जाने के बाद टीम इंडिया औंधे मुंह गिरने वाली है, इसलिए गैरी ने वर्ल्ड कप के बाद अपना अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला किया। पैडी कप्टन जहां गैरी को टीम इंडिया की इस फूट के राज का राजदार बता रहे हैं, तो वहीं हार के लिए कप्टन ने बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया। 28 साल बाद वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा करने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जीत के 4 दिन बाद ही आईपीएल मैचों में शिरकत करना पड़ा था, जिसे लेकर कप्टन खासे नाराज थे। अब आप ही सोचिए, वर्ल्ड कप जीत के 4 दिन बाद ही खिलाड़ियों को आईपीएल खेलना पड़ा। जब आप एक लक्ष्य को हासिल कर लेते हो तो अगला टारगेट निर्धारित करने के लिए आपको थोड़े समय की जरूरत होती है। आपको कुछ दिन खाली बैठना होता है, तभी आपका मन अगले लक्ष्य के लिए तैयार होता है। लेकिन जब टीम जीती तो बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उस जीत का जश्न मनाने का मौका तक नहीं दिया। यही वजह है कि अब टीम बुरे दौर से गुजर रही है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब टीम इंडिया की फजीहत पर किसी ने अपना मुंह खोला हो, लेकिन पैडी कप्टन टीम इंडिया से इतने करीब से जुड़े रहे जिनकी बातों पर शक की गुंजाइश का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि पैडी कप्टन के आरोपों का बीसीसीआई के पास क्या जवाब है। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया।